सब्सक्राइबर्स के साथ फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है, लेकिन कैंपिंग डिफरेंट इस तरह से होने वाली है कि इसमें हम थोड़ा यूनिक कर रहे हैं। हम टोटल 12 लोग थे और इनको हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड में काम चल रहा है, ग्रुप ए बी सी एंड डी। ग्रुप बी क्या बन रहा है? स्टर फ्राइड चिकन विद वेजीज एंड ये आ गया जी ग्रुप सी। हाँ जी क्या बन रहा है बिलाल? सीक्रेट है थोड़ा। ये है जी ग्रुप डी। ओके जनाब, पार्ट वन हमने यहाँ पे एंड किया था और वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हाल तो नहीं पूछूंगा वरना आप लोग मुझे ही कुछ ना कुछ ये लकड़ी यही उठा के मार देगा सर में। चलो जी चलें जी, कीप गोइंग। ये लकड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, मैं ज़रा सोर्स तक पहुँचता हूँ कि आ कहाँ से रही हैं। बंजीकोट ले जाएं बस आप। अच्छा चलें, मुझे बंजीकोट पकड़ा दें, मैं वो ले जाता हूँ साथ, और फिर देखते हैं ये कहाँ से लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमने करनी है कैंप फायर इस रात में, क्योंकि टेम्परेचर जो है मोस्ट प्रोबेबली 5-6 डिग्री इस रात तक जाएगा, इट्स गोना बी अ कोल्ड नाइट। तो उसके लिए सर्वाइवल हमारे पास यही है कि हम अच्छे से आग जला के रखें जब तक हम कैंप के बाहर बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून ही कहूँगा क्योंकि 2:30 बज रहे हैं दिन के, और पिछले व्लॉग को मैंने यहाँ पे एंड किया था, पिछले पार्ट को बेसिकली इस कैंपिंग व्लॉग को। बताता चलूँ जो लोग नए हैं चैनल पे, तो ये मैंने अपनी फर्स्ट टाइम जो है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ जो है कैंपिंग ट्रिप अरेंज किया है, और इसमें मेरे 11 सब्सक्राइबर हैं मेरे साथ और 12 मैं हूँ, टोटल हम 12 लोग हैं। कैंपिंग करने के लिए हम आए हैं, इस वक्त मौजूद हैं जी रियाड़ी फायर वॉश टावर पे, बहुत ही कमाल की जगह है। और पिछले व्लॉग में मैंने जो इसका पार्ट वन था उसमें दिखाया था कि किस तरह हम इस्लामाबाद से यहाँ तक आए थे बाइक्स पे, मोटो कैंपिंग है क्योंकि, और किस तरह हमने यहाँ पे चीज़ें सेटअप करना स्टार्ट की थी, और अभी वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप इसका पहला पार्ट देख लें ताकि आपको पूरी की पूरी जो है ना स्टोरी समझ आ जाए। वेल जनाब, ये है जगह जहाँ से हम लकड़ी ले रहे हैं, और यहाँ पे जो ऑलरेडी दरख्त गिरे हुए हैं उन्हीं को मजीद काटा जा रहा है, कोई हम जिंदा सलामत जो है वो दरख्त हम नहीं बिल्कुल काट रहे। तारिक और क्या नाम है यार, कासिम, और वहाँ पे मुर्तजा, ये सारे यहाँ पे लकड़ी का सेटअप कर रहे हैं। इसके अलावा फरजान और हसान, ये दो कुछ लकड़ियाँ पहले ले गए हैं। राइडिंग जैकेट का जो है ये दूसरा इस्तेमाल इस तरह भी हो सकता है। ये देखिए छोटी छोटी लकड़ियाँ थी, वो इतना दूर हमने वो काफ़ी दूर जाना है लेके, और कोई हल था नहीं, तो कासिम भाई ने जो है सेक्रीफाइस किया है। वाह, जाते जाते जो मिलते हैं सारा कमाल इन चीज़ों का, एन एन बॉयस का। ये हैं जी बाइक्स यहाँ पे, और एक कैंप यहाँ पे लग चुका है, ये दूसरा कैंप ये आ गया, और अभी एक कैंप लग रहा है, एंड दिस इज द बिग वन। अस्सलाम वालेकुम जी वंस अगेन, और इस टाइम शाम के तकरीबन बज रहे हैं 3:30, हमारे पास अभी भी जो है तकरीबन 1.5 घंटे की डेलाइट बाकी है। और स्टार्टिंग में अगर आपने पार्ट वन इसका स्किप कर दिया है तो पार्ट वन में आपको रेकमेंड करूंगा आप वो देख लें, उसमें मैंने बताया था कि आज की कैंपिंग थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। ऑल दो सब्सक्राइबर्स के साथ फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है, लेकिन कैंपिंग डिफरेंट इस तरह से होने वाली है कि इसमें हम थोड़ा यूनिक कर रहे हैं, और यूनिक हमने ये किया है कि हम टोटल 12 लोग थे और इनको हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था,
और चार के चार ग्रुप्स है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड में काम चल रहा है। ग्रुप ए बी सी एंड डी के नाम से हमने ग्रुप्स बना लिए थे और वो ग्रुप्स हमने इसलिए बनाए थे कि उन ग्रुप्स में डिफरेंट जो ग्रुप मेंबर्स थे वो अपनी डिफरेंट रेसिपी लेके आएंगे, वही खुद अरेंज करेंगे, सब कुछ वो बनाएंगे और जब चारों ग्रुप अपनी कुकिंग डन कर लेंगे तो हम एक जगह बैठ के शेयर करके जो है खाना इंजॉय करेंगे, तो ये टोटली एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बारबेक्यू का भी सीन है जो कि हम लेट नाइट करेंगे। अभी चलते हैं जी और स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए में मैं खुद हूँ क्योंकि ग्रुप ए ए फॉर अमार, और मेरे साथ जो है आ जाएं जी, और ये है जी मेरे दूसरे मेंबर ग्रुप के अमार भाई। अस्सलाम वालेकुम। काम शाम सही चल रहा है, ये इनका कैंप है और मैं और ये क्या बनाने लगे हैं वो सस्पेंस रखूँगा, वो नहीं बताता, बाकी लोगों को आपको बताता हूँ कि क्या बन रहा है। ये कुछ कैंप्स इस तरह यहाँ पे सेटअप हो चुकी हैं। और ग्रुप बी कौन है जी? ग्रुप बी आए जी, ग्रुप बी के पास पहले क्या है भाई? ओके जी, ये हमारा ग्रुप बी ए, और नहीं नहीं ग्रुप ए मैं हूँ, आप ग्रुप बी हैं। इसमें जो मेंबर्स थे हसन, हसान, कासिम, फरजान और मुर्तजा बिहाइंड द कैमरा, और ये लोग भी यहाँ पे अपना सेटअप करने लगे हैं। वैसे आप इतनी जल्दी क्या, आप लोगों को भूख लग रही थी जो बाइक के ऊपर चढ़ाई है ना यार, पहले चाय पी लेते हैं ना चाय, बाकी हम फ्रूट्स लेके आए थे वो एंजॉय करना है। ये तो कब से कह रहा हूं फ्रूट की बात, फ्रूट खाएं यार और चाय पी लें, कब से फिर कुकिंग करते हैं, इट्स टू अर्ली। एनीहाउ जी यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, यहाँ वाला जो है ज्यादा मजे का लग रहा है, तो मैं तो जज चेक कर रहा हूँ क्या बात है जज, मैं सारा खाना फेवरेटिज्म हो रहा है खुलेआम। और यहाँ पे जी बिलाल भाई की तबीयत कल से ही खराब थी और वो अभी सो गए। एनीहाउ जी फ्रूट्स हमारे पास है, आप वहाँ से ले लें, उसको वॉश कर लें और वो एंजॉय करें, तब तक चाय बनाते हैं, मैं आ रहा हूँ उस तरफ, ठीक है। और ये हो गया जी हमारा ग्रुप बी, और ग्रुप सी में हमारे मेंबर्स हैं, एक आपको मैंने बिलाल भाई दिखाया है, वो सो चुके हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, और उनके बाकी मेंबर्स ये हैं। कैसे हैं जी? ये सात भाई हैं और साथ में इनके जैन हैं, और चौथा कौन था? दानियाल। दानियाल की भी तबीयत ख़राब थी तो दानियाल आ नहीं सका, और इनका भी सेटअप हो चुका है, यहाँ पर भी जी कुकिंग चलने वाली है। और इसके अलावा हमारे पास जो ग्रुप डी है उसमें भी हमारे पास तीन मेंबर्स हैं, एक अरसलान है, आसिम है और तारिक, तो इनका भी सेटअप ऑलमोस्ट हो चुका है। सबसे पहले जी करते हैं चाय का काम, चाय बनाते हैं, चाय एंजॉय करते हैं, थैंक यू मुर्तजा फॉर द कैमरा, और चाय शाय पीते हैं उसके बाद कुकिंग करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 3:30 है, तो अभी तो शाम होने में भी 1.5 घंटा बाकी है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हम सीन चलाते रहेंगे। इसमें से कुछ भी नहीं है, इस शॉपर को रख दें वापस, और बस इसमें से पत्ती और ये चीनी उठाएं, ये इस शॉपर में चीनी है, ये उठा लें, दैट्स इट, छोड़ दें, चलें जी। यह जी सेब खाते हैं और इंजॉय करते हैं। इधर 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 वो बड़े बर्तन के पास, यस इसमें तो नहीं बनेंगे, फिर छह कर ले, नहीं छोटे नहीं चाहे, दूसरी केटल है तो एक और केटल पर, हाँ दूसरे से भी रख लेते हैं ना, एक बर्तन चाय के लिए मुर्तजा। ओके जनाब, चाय कहाँ पे पहुँची है, इसको टाइम लगेगा अभी पकने में ना, मैं इस वाली में से पीऊँगा, मीठा तो ज़्यादा नहीं डाला ना, नहीं नहीं मीठा दोनों में बराबर ही है, नॉर्मल। चलें जी, ये ग्रुप डी जो है वो चाय बना रहा है और होपफुली अच्छी होगी। यार ये एस वाले में दिखाना क्या है, कितना मज़े का कलर है इसका, ओपन करें, अच्छा इसमें इस तरह की चीज़ें हैं, गुड यार, ये इतवार बाजार वाले से लिए हैं, हाँ मैंने इनके पास ये देखे थे बॉक्सेस में, सही है चांदनी से पता नहीं चलेगा, बस चीज मेरे अजीज आप बताएंगे तो मैं साडा हक है तेरा, अब देख लो बस हाथ ना जले मेरा, बस अकेले भी हो जाते हैं, मैं आप ही कह रहे हो, बस मैं कहा हाथ ना जले मेरा, माता अच्छा देखने दे ना, बताइएगा बस, ठीक है ठीक है, मैं दूसरी दफा लाइन में लगाऊं जी आपको पहले जी, बस जी बाकी वेटिंग में है जी, थोड़ा पानी पानी। ओके जी, ये मेरे हाथ में चाय है, ड्रोन है और अपना मैं गोप्रो लेके जा रहा हूँ, ये सामने फायर वॉश टावर पे, वहाँ ऊपर से आपको ड्रोन फुटेज भी दिखाता हूँ टावर से, और उसके अलावा मैं वहीं पे थोड़ी देर चाय एंजॉय करूँगा और साथ में डूबते हुए सूरज का नज़ारा लूँगा।
वेल जनाब, चाय इंजॉय कर ली है और अभी शाम तकरीबन हो चुकी है 4:30 और बड़े मज़े की गोल्डन लाइट आ रही है इस टाइम। अभी यहाँ पे बोन फायर का जो है सिस्टम हो रहा है और उसके बाद फिर कुकिंग भी जैसे ही मगरिब होगी, सूरज नीचे जाएगा, हम अपने कुकिंग का सेटअप स्टार्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम अपना जो है बोन फायर का सेटअप कर रहे हैं, उसके बाद जो है बारबेक्यू भी यहीं पे करेंगे और इस तरह हम जो है इस सेमी सर्कल के अंदर जो है हम बैठ सकते हैं और अब सूरज बिल्कुल बादलों के पीछे चला गया है। ओह, ये वाला सीन चेक करें यार, ज़बरदस्त। ओके जनाब, 5:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो है गोल्डन लाइट जो थी वो बहुत मज़े की अब जब बिल्कुल डार्क डीप ऑरेंज में कन्वर्ट हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रात हो चुकी है और यहाँ पे हमारा कैंप का पूरा सेटअप रेडी है, लाइट्स वगैरह लग चुकी हैं और हर तरफ रोशनी रोशनी है। और अभी जो है बॉयज़ ने, जो ग्रुप्स मैंने आपको पहले बताए थे, उन्होंने अपनी कुकिंग का सारा सीन स्टार्ट कर दिया हमारे। हम क्या करने लगे हैं कुकिंग का यार, बाकी सारे काम कर रहे हैं, हम कब स्टार्ट करेंगे? थोड़ी देर में करते हैं। चले, हम कुछ खास बनाने वाले हैं। ओके जी जनाब, ग्रुप बी क्या बन रहा है? खाना स्टर फ्राइड चिकन विद वेजीज एंड स्पेशल सॉस। ओके यार, मेरे पास भी एक शिमला मिर्च है, मैं ली थी वहाँ से, वो आपको दे दूँ? मुझे भी फिर खाना थोड़ा सा दे देना। हाँ, मेरे उसमें है शिमला, लेकिन आपको सिर्फ शिमला मिलेगी। ठीक है सर, पक्के बस मिल जाएगी। ये चेक, इसमें नमक चमक करना है, सोया सॉस डालें इसके ऊपर जी, वो सब कुछ इसके अंदर मैरिनेशन के अंदर हो गया। एक और भी है, वो हो हो, वहाँ भी कुछ बन रहा है, वो भी खोलो, वो है तकरीबन रेडी है। कबाब मसाला और साथ में पराठे, ठीक, कबाब की कढ़ाई साथ में पराठे खाएंगे, क्या बात है जी। ये ग्रुप बी का हो गया हमारे यार, मुकाबला सस्ता है ये वाला, सही लग रहा है ग्रुप। इनके पास है भी ज्यादा, हम ज्वाइन भी कर सकते कर सकते हैं। अच्छा जी, ग्रुप बी के बाद ये आ गया जी ग्रुप सी। ओके, यहाँ पे साद है, बिलाल है और जैन। हाँ जी, क्या बन रहा है बिलाल? सीक्रेट हमें नजर आ गया, इधर भी बन रहे जी सीख कबाब की कढ़ाई बन रही है। इधर भी मतलब शिमला मिर्च क्यों रखी हुई है साथ? ये सीक्रेट है आपको कहते हैं। अच्छा, मेयोनीज भी रखा हुआ है, शिमला मिर्च भी और केचप भी पड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, बता भी रहे हैं कि सीक्रेट है। टमाटर ज्यादा है यार, ये टमाटर आपके लिए नहीं है, ज्यादा है यार। नहीं यार, एक चेक तो कर लो, इसलिए कह सकते ज्यादा है, मैं चेक कर नहीं, बाकी में वैसे ही है। ये है जी ग्रुप डी, यहाँ तो कुछ बॉयल हो रहा है। ओहो, अच्छा यार, हमारे इधर तो देखे नहीं, आप फिश फ्राई हो रही है। अच्छा। सर आप इसको थोड़ा तेज़ करें, आपका ऑयल अभी सही गर्म नहीं है और ऑयल आपने मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा डाल दी है, ज़्यादा डाल, क्योंकि अभी ये जब सही खोलने लगे बाहर आएगा। यू हैव टाइम इसको निकालना अगर चाहें तो, वो स्टील वाले गिलास में निकाल लें, क्योंकि जब ज़्यादा गर्म हो ये बाहर आएगा। यहाँ पे जी फिश फ्राई हो रही है यार, आप तो कंफ्यूज हो गए हैं भाई, कौन सा ग्रुप हम ज्वाइन करें, सभी अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं। सो इसके बाद जब ये बन जाता है, चेक करेंगे कि कौन से ग्रुप ने सबसे अच्छा खाना बनाया और क्या सीन है। खाना हम सब ने बिल्कुल साथ ही खाना है और मेरे ग्रुप का, मैं और अमार हैं उस ग्रुप में। हम क्या बनाने लगे हैं इसको अभी भी सीक्रेट रखते हैं भाई, फाड़ दो इसको। ओके जी, डिनर लग चुका है और सारी डिशेज यहाँ पे पहुँच गई हैं, इसके ऊपर रोटी गरम होगी और ये कुछ सीन है। चीज़ें तो ऑलरेडी मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ और हमारा जो सरप्राइज था वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या बनाया है। हमने ये देखें, 8000 फुट के एल्टीट्यूड पे हमने निहारी बनाई है, निहारी ऊपर लाके बस कर दो, बहुत तेज है ये लोग। देखो निहारी ऐसी जगह पे, चले जी अब आराम से खाना खाते हैं। ओके जनाब, अभी खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और बहुत ही लेवल का जो है हमने बुफे डिनर कर लिए, सामान वगैरह पैक कर रहे हैं खाने पीने वाला, और हमारे पास अच्छी खासी डिशेस हो गई थी जिनमें से हमारी निहारी, फिर दो तरह की कबाब की कढ़ाइयाँ थी, फिर फ्राइड चिकन और वेजीज, फिर फ्राइड फिश थी और इसके अलावा एक और भी चिकन की हमारे पास डिश थी। तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा बना हुआ था, सब ने जितने भी ग्रुप्स थे सब ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लेवल का खाना बनाया। लेकिन जबकि खाना इतना ज़्यादा था, अभी भी हमें काफ़ी खाना जो बच के वो हमने स्टोर कर लिए, और आई डोंट थिंक सो कि अब बारबेक्यू की गुंजाइश बची है या नहीं, लेकिन फॉर द फन एक्टिविटी वो भी हम करेंगे। अभी सब जो है चीज़ें वगैरह अपनी संभाल रहे हैं, और ताकि उसके बाद फिर हम बोन फायर इसको जलाएँ और यहाँ पर बैठें। इधर से गिरा खुलने वाली है। ओके ओके ओके। नहीं 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 ओके जनाब, रात के 10 बज चुके हैं और अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना बारबेक्यू का सीन। काफ़ी देर आग के पास बैठ के गपशप भी की हैं, बीच में एक दो लाइव स्ट्रीम भी कर ली इंस्टाग्राम पे, और अभी करने लगे हैं बारबेक्यू का सीन। और वो यहाँ चल रहा है, आपको दिखाता हूँ जी, ये कुछ इस तरह से चारों तरफ से वो फिर अपनी मर्जी से हाइट में रख लो, जिस मर्जी हाइट में चल। लाल भाई आपने सही काम किए, पराठा रोल बना लिए। ये देखिए 11:30 बज चुके हैं और खाना पीना सब कुछ हो गया, बारबेक्यू पार्टी जो हमने करनी थी वो भी हमने कर ली है, और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पैक कर रहे हैं क्योंकि अब जो है सबको नींद आ गई है, तो बेहतर है कि अब चीज़ें पैक करें और कैंप्स के अंदर जाते हैं। तारिक भाई कैसी रही जी कैंपिंग नाइट? बहुत अच्छी, फर्स्ट टाइम था मेरा, बहुत अच्छा लगा। चलें गुड हो गया जी। जैन थोड़ा सा करीब आए प्लीज़। ठीक, कैसा था ओवरऑल सीन? A1 रहा आज का एक्सपीरियंस, राइड भी और स्पेशली जो कैंपिंग और बारबेक्यू, जबरदस्त, मैं का तो मजा आ गया, ग्रेट हो गया जी। आसिम भाई जी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और हम चाहेंगे, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं आप लोगों के साथ, तो चाहेंगे कि आगे भी कंटिन्यू करें, तो ओवरऑल इट वाज गुड ओवरऑल। थैंक यू जी। जी अरसलान चिल वाला चिल वाला चिल वाला नहीं, चिल तो तब होगा जब आग बिल्कुल बंद हो जाएगी, कैंप के अंदर जाएंगे जी। अमार कैसी रही कैंपिंग नाइट? कैंपिंग नाइट बहुत मज़े की, मुझे तो बहुत मज़ा आया, स्पेशली जो कुजीन मुझे मिली है आज खाने के लिए। ओहो, उसका तो क्या ही, कैंपिंग तो मैं करता रहता हूँ लेकिन आज जो खाना खाया ना उसका बहुत मज़ा आया, वैरायटी ऑफ फूड हाँ, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी कंपनी थी। चले जी गुड हो गया। बाकी कुछ लोग सो चुके हैं, साथ सो गए हो? ओपन करें नज़र है इसको जी। जनाब कैसा रहा कैंपिंग का एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट रहा क्योंकि मैं इंतहाई इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं इस तरह की ग्रुप कैंपिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मतलब मज़ा आया, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ और फूड का स्पेशली सीन बड़ा यस था, जिसमें हर एक ने अपना अपना फूड बनाया हुआ था, काफ़ी वैरायटी थी, और मतलब ओवरऑल बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस। चलें गुड हो गया। ओके जी गुड नाइट। कैसा रहा एक्सपीरियंस जी? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा,
पहले भी मैं कैंपिंग कर चुका हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी कि अपना खाना वगैरह हमने खुद बनाया और फिर साथ में बॉनफायर और सारे सब के साथ जो मिल बैठ के जो बातें जाते हुए, वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था। चलें जी, गुड हो गया। ओके जी, इसी के साथ ही इसको यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये वाला पार्ट काफ़ी लंबा हो चुका है। अभी सोते हैं, कैंप के अंदर जाते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में, जो कि सुबह कैसी होती है, कैसा रात का हमारा रहता है एक्सपीरियंस, वो आपसे नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। ये बन रहा जी सुबह सुबह यहाँ पे पराठा। हम आग का डबल फायदा ले रहे हैं।